दोस्तों आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ मथुरा शहर से करीब 54 किलोमीटर दूर और बरसाना से करीब 10 किलोमीटर दूर एक ऐसे गांव में जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के 11 वर्ष बिताने के बाद बाकी जीवन बिताया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नंद गांव की। आज मैं आपको पूरा नंद गांव घुमाने वाला हूँ, साथ ही साथ आपको लेकर चलूँगा नंद गांव में मौजूद भगवान श्री कृष्ण के घर में। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। अभी मेरी एंट्री नंदगांव में हो चुकी है। सामने लिखा हुआ है श्री नंद बाबा मंदिर नंदगांव। गांव के अंदर कार ले जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि गलियां बहुत छोटी छोटी हैं। गांव के बाहर ही मुख्य रोड के पास एक कार पार्किंग बनी हुई है, वहीं पर मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। ये जो गलियां आप देख रहे हैं ये है नंद गांव की वो छोटी छोटी गलियां जहां भगवान श्री कृष्ण रहते थे। हालांकि इन गलियों में अब बहुत खूबसूरत पेंटिंग बना दी गई हैं। यहां दो अलग अलग रास्ते हैं, दोनों ही रास्तों पर मंदिर जाने का रास्ता लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी रास्ते से होते हुए मंदिर तक भगवान श्री कृष्ण के घर तक पहुंच सकते हैं। इन गलियों में मैं जितने भी घर देख रहा हूं उनमें ज़्यादातर घरों पर अभी ताले पड़े हुए हैं। गलियों की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी बहुत सी अलग अलग तस्वीरें बनाई गई हैं, बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई हैं। रोजाना सैकड़ों हजारों लोग नंद गांव में भगवान श्री कृष्ण के घर में दर्शन करने आते हैं। आज मैं भी आपको घर बैठे नंद गांव घुमाने वाला हूँ। मंदिर तक जाने वाले रास्ते में कुछ सीढ़ियाँ पड़ती हैं, इन सीढ़ियों को चढ़कर मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। नंद गांव में मौजूद भगवान श्री कृष्ण का ये घर नंदेश्वरी पहाड़ी पर बना हुआ है। वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। हालाँकि कुछ अलग रास्ते भी हैं जहाँ छोटी छोटी गलियों से होते हुए भी मुख्य घर मुख्य मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। ये मंदिर ये गांव बहुत प्राचीन है। आज मैं आपको ये पूरा गांव घुमाऊंगा। इन सीढ़ियों से नंद गांव का एक बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जितना भी आप शहर ये गांव देख रहे हैं ये नंद गांव है, और ये वही गांव है जहाँ कंस के प्रकोप से बचकर नंद बाबा अपने पूरे परिवार को श्री कृष्ण जी को और सभी ग्वाल ग्वालाओं को लेकर यहां आकर बस गए थे। चलिए अभी आगे चलते हैं। छोटी छोटी गलियां हैं और गली की दोनों तरफ की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। हालांकि अब ये पेंटिंग काफी पुरानी हो चुकी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी लीलाओं का यहां पर खूबसूरत चित्रण किया गया है। सामने एक घर देख रहा हूं मैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों घर हमें इस गांव में देखने के लिए मिल रहे हैं। गांव की कुल आबादी करीब 11,500 है, लेकिन इस वक्त मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि ज़्यादातर घरों में ताले डले हुए हैं या फिर पूरी गलियां वीरान पड़ी हुई हैं। लेकिन होली के अवसर पर, राधाष्टमी और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यहाँ पर बड़े स्तर पर मेले का आयोजन किया जाता है। इन गलियों के मोड़ पर मंदिर जाने के लिए रास्ते के निशान बने हुए हैं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ एक छोटी सी दुकान है जहाँ पर लड्डू गोपाल के कपड़े बेचे जा रहे हैं। अब यही रास्ता मुझे भगवान श्री कृष्ण के घर तक लेकर जाएगा। जब से मैं नंदगांव में आया हूँ मैं यहाँ की गलियों को देख रहा हूँ कि एकदम खाली खाली है, बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं है। ज़्यादातर घरों पर ताले डले हुए हैं जैसे मैं पहले भी आपको बता रहा था। इस वक्त मैं जिस जगह हूँ यहाँ से मंदिर की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं रह चुकी है, यहाँ थोड़ी भीड़भाड़ भी है।
और आसपास में कुछ दुकानें बनी हुई हैं जहां पर लड्डू गोपाल के कपड़े और लड्डू गोपाल की दुकानें बनी हुई हैं। इसके अलावा खाने पीने के लिए भी काफ़ी सारे स्टॉल बने हुए हैं। प्रसाद और फूल की दुकानें लगातार देखने के लिए मिल रही हैं और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़ी सी भीड़भाड़ भी दिखने लगी है। हालांकि पीछे मैं देख रहा था कि सारी गलियां वीरान पड़ी हुई थी। वैसे रोजाना यहां पर हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या हो रहा है? चाय पी रहे हैं। चाय दो प्लेट नमकीन। कौशिक जी को दो। ये वाके बढ़िया है। ओरिजिनल है भाई साहब, डुप्लीकेट नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। साथ मुझे इतना बढ़िया। चलो तो पियो फिर। मुझे पता है। अच्छा आज पी रहे हैं। मदर डेयरी की जो आती है ना नंदगांव में, तैयार हो रही है स्पेशल वाली। नंदगांव आकर छाछ जरूर पीनी चाहिए। मजा आ गया। देखो यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर भगवान श्री कृष्ण का घर आ जाएगा। यहाँ थोड़ी भीड़भाड़ ज्यादा है, दुकानों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि ये जो दुकानें हैं ये यहाँ के लोकल लोगों की ही हैं। जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि होली के अवसर पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर, राधा अष्टमी पर यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। इन गलियों में इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि मंदिर तक पहुँचने में भी घंटों का समय लग जाता है। इस वक्त यहाँ ना के बराबर भीड़ है। अगर आप भी नंदगांव आते हैं, भगवान श्री कृष्ण का घर देखने आना चाहते हैं, तो होली, कृष्ण जन्माष्टमी और राधाअष्टमी के अवसर पर न आए, वरना आप अच्छे से दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस वक्त मैं भगवान श्री कृष्ण के मुख्य मंदिर या उनके घर के ठीक बाहर खड़ा हूँ। मंदिर के बाहर ही एक शू स्टैंड बना हुआ है। चलिए आपको मंदिर में लेकर चलते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के घर का मुख्य द्वार है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के 11 साल गोकुल में बिताए थे और उसके बाद नंद बाबा अपने पूरे परिवार को लेकर, भगवान श्री कृष्ण को लेकर इस ही जगह पर आ गए थे। ये जो आप परिसर देख रहे हैं यही भगवान श्री कृष्ण का घर था। हालांकि इस पूरे मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में भरतपुर के एक राजा द्वारा करवाया गया था, लेकिन ये जमीन वही है, ये जगह वही है जहां पर नंद बाबा ने कंस के डर से पूरे परिवार को और बाकी ग्वाल ग्वालाओं को लेकर नंदगांव में अपना ये घर बनाया था। मंदिर के मुख्य गृह में कैमरा अलाउ नहीं है, मैं वहाँ तक आपको नहीं ले जा पाऊँगा, लेकिन पूरे भगवान श्री कृष्ण के इस घर के आपको दर्शन कराऊँगा, परिक्रमा कराऊँगा। ये जो जगह है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पूरे परिवार के एक साथ दर्शन किए जा सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, राधाअष्टमी के अवसर पर यहाँ पर बड़े स्तर पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। इस वक्त मंदिर में काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं। ये मंदिर परिसर बहुत बड़ा है और बहुत प्राचीन भी है। यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र रहा हमारा वो भी बहुत खूबसूरत था। पतली पतली गलियों से हम गुजरते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए आपको मंदिर की परिक्रमा कराता हूँ। ये परिक्रमा मार्ग है ना मंदिर की। परिक्रमा मार्ग के इस दीवार के ठीक पीछे ही भगवान श्री कृष्ण का वो घर है जहां पर उनके पूरे परिवार के एक साथ दर्शन किए जा सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव की यात्रा की होगी, तो आप शायद यहां पर जरूर आए होंगे। लेकिन आप में से बहुत से हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने नंदगांव का ये भगवान श्री कृष्ण का खूबसूरत घर नहीं देखा होगा, तो उनके लिए वर्चुअली हम यहाँ भगवान श्री कृष्ण का घर उन्हें दिखा रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे जरूर लिखिएगा।
वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। करीब 5248 साल पुरानी ये धरती है। 18वीं शताब्दी में इस मंदिर को बनवाया गया था, लेकिन ये जगह वही है जहां भगवान श्री कृष्ण रहते थे अपने पूरे परिवार के साथ। मंदिर के खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय है। दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के आसपास मंदिर बंद रहता है, उस समय आप यहाँ दर्शन नहीं कर पाएंगे। इस मंदिर की एक खास बात मैं और बता दूं, पूरे देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको ये जगह कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप में से कितने लोग यहाँ तक पहुँचे हैं या एक बार भी अपनी लाइफ में यहाँ आए हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। तो ये तो सफ़र था नंदगांव में मौजूद भगवान श्री कृष्ण के घर का। नेक्स्ट एपिसोड में आपको कहीं और लेकर चलेंगे, कहीं और की जानकारी आपको देंगे। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।